वेलकम टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सबके सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 11:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। आज मैंने सुबह से अपना वीडियो ही नहीं स्टार्ट किया और गला मेरा देखो कैसे हो गया है। तो आते ही कोल्ड पकड़ ली थी ना, मतलब पहले हल्का सा ना गले में लग रहा था, पानी पीने में दिक्कत हो रही थी और धीरे धीरे अभी बढ़ करके ना पूरा का पूरा जुकाम हो गया है। और अभी तो नाक गला सब कुछ एकदम जाम हो गया आप बोल सकते हो। तो आवाज़ भी उतनी सही से नहीं निकल रही है, जगह बदलने से ना यही होता है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, सुबह से नहीं कर पाई तो क्या हुआ। और ठंडी ना बहुत चली गई है, बिल्कुल भी अब स्वेटर पहनने का मन नहीं करता। उद्दू को अभी हल्का फुल्का पहना देती हूँ, जैसे इनर पहना है या फिर कुछ पतला सा कोई स्वेटर पहना है, बट वैसे बहुत हैवी सा पहनाने का नहीं मन करता है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कैसे, बट जो भी आज दिन भर करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल उससे पहले वीडियो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वीडियो स्टार्ट नहीं होता ना तो फिर नहीं हो पाता है। बिंदी मेरी टेढ़ी लगी थी और अभी मैं चलती हूँ अंदर। आज माँ भी जाने वाली है मायके, तो आज मठमंगरा हाँ शायद आज ही है, तो आज माँ चली जाएंगी, मौसी लोग सब लोग आज आ जाएंगे और मैं जाऊँगी परसों, मतलब कल को छोड़ करके परसों जाऊँगी। कल आनंद भी आ जाएंगे तो फिर परसों उनके साथ जाऊँगी मैं। और पूरा कितना चार पाँच दिन तो रहना ही होगा वहाँ, तो बहुत मस्ती धमाल होने वाली है। उसके लिए पहले से ही एक्साइटेड है, बट थोड़ा सा बेसाते एक गड़बड़ हो गई, मेरे ना 2-4 पिंपल निकल आए हैं। आपको दिखाऊं, ये देखो 1-2 ऐसे छोटे छोटे और भी निकले, मतलब मेन बड़े बड़े तो 2 निकले हुए हैं और छोटे छोटे भी और 1-2 निकल आए हैं। तो जब कुछ शादी ब्याह होती है ना तो ये गड़बड़ जरूर होती है, जो कि मेरे साथ भी हो गया है। इनको पता नहीं पिंपल को कैसे पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है तो हमें जाना चाहिए। तो ठीक है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, मेकअप से छुपाना पड़ेगा इनको। यहाँ पर आप लोगों को उद्दू की मस्ती दिखाऊं कैसे वो मस्ती कर रहा है। वो बार बार ना गाड़ियों के चक्कर लगा रहा था और मुझे भी बीच बीच में ढूंढता जा रहा था, क्योंकि ना मैं गाड़ियों के पीछे छिप जा रही थी तो वो मुझे भी बार बार ढूंढ रहा था। और मेरी ना आवाज़ को आज थोड़ा इग्नोर करिएगा, थोड़ी सी अजीब अजीब सी आपको लग सकती है, क्योंकि कोल्ड हो रखा है ना तो गला मेरा बहुत ख़राब हो गया है। और इसको देखो, इसको बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ियों के बार बार चक्कर लगाने में। और इसको ना इतना बड़ा ये ग्राउंड पा करके इतना खुश हो गया है कि अगर अकेले रहता है तो पूरे ग्राउंड में भगता है, अगर किसी 1-2 जन को भी देख लेता ना तो फिर ऐसे रहता है ना कि बस अब मुझे मम्मा के पास जाना है, इन लोग के पास नहीं रहना है। तो अभी सबको अननोन समझता, उतना ज़्यादा किसी को पहचानता नहीं ना, तो इस वजह से ऐसे करता है। और हाँ, अगर मम्मा बाहर रह जाती है तब तो फिर ये बहुत आराम से खेलता है, चाहे 1-2 घंटे तक इसको बाहर रखो खेलता रहता है। सासू माँ जा रही है अपने मायके, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनका पिन लगा देती हूँ। और वो पहले ना सीधे पल्ले में ऐसे जैसे डालते हैं ना फ्रंट वाला, ऐसे डाल ली थी, तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैं उल्टे पल्ले में जैसे हम लोग पहनते हैं ना ऐसे पहनाऊँगी आज आपको, ऐसे ही भेजूँगी। भाई मायके जा रही ना, थोड़ा लगना चाहिए, तो फिर बस वही बोली कि चलो ठीक है जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है वैसे कर दो। और उनको तो वैसे भी रहता ना सजने वजने में थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता है, तो अगर सामने वाला कुछ कर भी रहा है ना तो ऐसे हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है तुम्हारा जो मन कर रहा है जैसे मन कर रहा है कर दो। तो बस अभी मैं इनको लगा देती हूँ और इसके बाद फिर चली जाएंगी माँ, और फिर मैं जाऊँगी 2 दिन बाद, मतलब 1 दिन छोड़ करके फिर उसके अगले दिन जाऊँगी। तो आज मैंने ना हेयर वॉश भी किया हुआ था, क्योंकि मुझे ना सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है, और इतनी ज़्यादा डैंड्रफ हो गई ना कि थोड़ा सा भी मैं अगर उंगली लगा लेती हूँ अपने सर में तो पूरी नीचे झड़ने लग जाती है।
गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। कल फिर मैंने उसके आगे कुछ नहीं शूट किया था, माँ चली गई थी, मेरा मन ही नहीं किया था। और उतना पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैमरा सामने रहता भी तब भी ऑन करने का मन नहीं करता है, तो वैसे ही था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। माँ चली गई थी ना तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो फिर आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया था। और अभी मैं सारे बर्तन धुल रही हूँ, जितने भी दूध के, उद्ध को जो मैं कटोरी चम्मच से दूध पिलाती हूँ ना, तो ऐसे होता है ना कि पिलाती जाती हूँ, जब 4-5 कटोरी चम्मच हो जाती है ना, तब फिर इकट्ठे धुल लिया जाता है। और दूध वाला जो मैंने पकाया था ना जिसमें, वो भी है। तो बस ये सारे बर्तन धुल लेती हूँ, इसके बाद दूध पका लेती हूँ, फिर सारा काम मेरा हो जाएगा। तो क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? टीवी देख रहे हो? हाय कर लो सबको। अच्छा एक बार हाय कर लो। ओले सीताराम सीताराम, आपसे करने को कुछ बोलो, आप दो दो तीन तीन चीजें एक साथ कर देते हो। अच्छा उद्धव सुनो, कि 6 बज रहे हैं और मैं अभी बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना वीडियो जो मेरा स्टार्ट है उसको आगे कंटिन्यू रखती हूँ। और अभी ना कल से ऐसे ही हो रहा है, बहुत बहुत ना के बराबर थोड़े बहुत सूट कर पा रही हूँ, क्योंकि माँ भी चली गई है ना, तो उतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है कि घर में कोई नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं ना कि ये करना है वो करना है, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ों में जो करती भी हूँ वो सूट नहीं कर पाती हूँ। और मेरा मन करता है कि मैं सूट करूँ बट हो नहीं पाता है, बाद में फिर ध्यान आता है कि अरे यार मैंने सूट नहीं किया। ए बिटू इधर आओ, वो आरती चल रही है ना, तो वो बार बार उसके पास ही जा रहा है। एक मिनट, मैं इसको लेके आती हूँ। मैंने इसको अंदर कर लिया और अभी देखो अब उसको ऐसा है कि मुझे बाहर जाना है। और यहाँ ना लाइट इस रूम में बहुत छोटी सी है, तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आता है, बहुत अंधेरा अंधेरा सा आता है, इसलिए मैं जल्दी कभी ना इस रूम में सूट नहीं करती हूँ कुछ भी, क्योंकि क्लियर उतना आता ही नहीं। कहाँ जाना है तुमको? इधर इधर बताओ तुमको जाना कहाँ है। हाँ बच गई। 10 बज रहे हैं और मेरी पैकिंग अब सारी हो गई है, थोड़े बहुत मैं रेडी भी हो गई हूँ, थोड़े बहुत मतलब बैंगल्स पहन लिया है, ये सब छोटा मोटा पहन लिया है। और अभी उद्धव का थोड़ा बहुत सामान रखा है तो उसको भी मैं रख लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं रेडी होना स्टार्ट होंगी। और नीचे उसको भी मैं तैयार कर दूंगी, उसका नीचे का सारा सामान मैंने रखा जो भी डेली यूज का रहता है, ऊपर में मतलब सारे कपड़े वगैरह बैग में। आपको दिखाऊँ इधर जो मैं मेरठ से लेकर के आई थी ना, उनको निकाल करके मैंने सेफ में सेट करा, और सेफ से हैवी हैवी साड़ियाँ और जो मतलब शादी में पहनने टाइप वाले जो कपड़े हैं वो सब कुछ मैंने डाला। तो अभी ना मेरा सच बताऊँ सर चकरा गया है कि इतना सारा पैकिंग पैकिंग पैकिंग, कभी कहीं के लिए कभी कहीं के लिए। और 2-4 महीने पहले से ना तैयारी बना लेना होता है बहुत एक्साइटेड होके, फिर जब एकदम एंड टाइम आता है ना तो यार फालतू में तैयारी बना लिया क्या। बट ठीक है, जब आना जाना होता है ना तो 2-3 घंटे का एकदम हैक्टिक हो जाता है, इसके बाद एक बार पैकिंग हो जाती है तैयार हो जाना तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहता। और मेरा ना ये वीडियो पिछले कितना 2 दिन से चल रहा है, 3-3 साड़ियों में आप मुझे देख लोगे, और वीडियो का एंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि माँ नहीं है ना, तो मैं ज़्यादा कुछ सूट ही नहीं कर पाती हूँ। उनके ना रहने से ही समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और कितना वो सब संभाले रहते हैं, हम एकदम ना बेफिक्र रहते हैं। तो वैसे भी अभी उतना तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, चाची ही मेन संभाल रही हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा सूट वूट नहीं हो पा रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, यहाँ सब कुछ खाली खाली सा, तो ज़्यादा कुछ करने का मन ही नहीं करता है, और तबीयत सही नहीं है ना, तो इस वजह से और नहीं मन। ऐसे मैं उजाले में खड़ी हूँ ना तो कैसा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ना ब्राउन ब्राउन सा कलर लग रहा है, तो उजाले में ऐसे ही हल्का हल्का ना ब्राउन ब्राउन कलर आता है। फिलहाल इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और ये दो दो मंगलसूत्र मुझे थोड़ा सा लग रहा है अजीब लग रहा है क्या, नहीं ठीक लग रहा है, और वहाँ जा कर के वैसे भी मुझे चेंज कर देना है, चेंज मतलब या तो इसको बस पहने रहूँगी या तो इसको, और फिर किसी दिन इसको डाल लूँगी किसी दिन इसको। तो थोड़े बहुत गोल्ड भी लेकर के जा रही हूँ, आर्टिफिशियल वाला भी लेकर के जा रही हूँ, दोनों मिक्स करके पहनूंगी क्योंकि गोल्ड ही गोल्ड मेरे से झेला नहीं जाएगा।
तो आर्टिफिशियल भी मैंने रखा हुआ है, और बारात में रात में तो मतलब आर्टिफिशियल वाला ही डालूंगी, विदाई में देखूंगी ना होगा तो थोड़े बहुत गोल्ड वाला डाल लूंगी। और बाल भी अभी मेरे पूरी तरह से सूखे नहीं है, तो मैं इनको भी धीरे धीरे सुखा लेती हूँ। तो चलती हूँ मैं, रेडी होती हूँ, तो इस वाले वीडियो का मैं एंड करती हूँ और अपना नया वीडियो स्टार्ट करूँगी। और देखो मैट्रेस भी मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी साड़ियाँ वगैरह सब पड़ी हैं तो इसे निकालना पड़ता है। तो अभी सब कुछ फिलहाल ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब मैं लौट करके आऊँगी ना तभी अब ये सब सेट होगा। वैसे भी रूम बंद रहता है, कुछ काम रहता नहीं है। तो चलो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।